बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन ग्रीन पुलाव। और ये चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम चिकन ली है, बिल्कुल साफ़ सुथरी। और एक अदद हरा धनिए की गड्डी है, पुदीना है, 25 से 30 अदद हरी मिर्चें हैं, और लहसुन अदरक और सौंफ, जायफल, जावत्री, ये आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे में। और प्याज ली है 4 अदद मीडियम साइज़ की, उसको भी चॉप कर लिया है हमने, काट लिया है। और ये तेज पत्ते हैं, और दालचीनी के 3 अदद टुकड़े हैं, और लौंगे हैं 8 से 10 अदद, बड़ी इलायची है 2, और छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची 4 अदद। ये देखें मिक्स गरम मसाला, ज़ीरा भी है इसमें 1/2 टीस्पून, और काली मिर्चें 10 से 15 अदद। ये इसका हमने भगार लगाया, तेल हमने तकरीबन 1 पाव लिया है। और ये हम इसको गरम मसाले के बाद हमने इसमें प्याज ऐड कर दी। अगर आप चाहें तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं चिकन ग्रीन पुलाव में, मगर मैं हमारे यहाँ प्याज ज़्यादा शौक से खाई जाती है, इसलिए मैं इसको लाल करके थोड़ी प्याज निकाल भी लूँगी। और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। और अगर आप ज़्यादा डार्क ग्रीन चिकन पुलाव खाना चाहते हैं तो उसमें डबल डाल दें हरा धनिया और पुदीना, तो ज़्यादा डार्क ग्रीन हो जाएगा। मैं ज़रा लाइट ग्रीन पुलाव रखूँगी, चिकन ग्रीन पुलाव ज़्यादा डार्क नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं लाइट ग्रीन पुलाव बनाऊँगी, ज़्यादा डार्क नहीं। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डार्क बनाते हैं तो वो कलर वाइज कुछ अच्छा नहीं लगता। ये देखें मैंने सारा मसाला पीस लिया है, इसमें हरा धनिया है, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक, सौंफ, जायफल, जावत्री। अब ये प्याज हमने गोल्डन ब्राउन कर ली है, इसको हम थोड़ी सी प्याज अलग निकाल लेंगे गार्निश के लिए। अब हम इसमें जो हमने ग्रीन मसाला पीस के रखा है ग्लेंडर करके, ये ऐड कर देंगे सारा, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम। और 750 ग्राम चिकन लिए, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, उसको हमने धो के अलग रख लिया है। और चावल हमारे बासमती हैं, आप चाहें तो सैला भी ले सकते हैं, मैं बासमती चावल बनाऊंगी, और वो ज़्यादा देर भिगोने नहीं पड़ते। ये नमक, काली मिर्च और ज़ीरा है पिसा हुआ, देखें तमाम चीज़ें हमने अच्छी तरीके से भून रहे हैं इसको। और इसमें हमने दही भी ऐड करा है 1 पाव, दही में दिखा नहीं पाई आप शुरू में, और दही भी इसमें ऐड कर चुकी थी मैं 1 पाव। और अब हम इसमें अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। और ये इसमें हमने चिकन ऐड कर दी है। प्लीज़ हमारी वीडियो को फुल वॉच करें और लाइक कमेंट के साथ, और वॉचिंग वन केजी चावल लिए मैंने, 350 ग्राम ये चिकन है। अगर आप चाहें तो चिकन को बढ़ा भी सकते हैं, और ग्रीन ज़्यादा चाहिए तो उसमें हरा धनिया पुदीने की क्वांटिटी बढ़ा दें। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, तकरीबन ये 5 गिलास हैं, ये 5 से अब इसको 10 मिनट हम बॉईल करेंगे इसको पानी के साथ, ताकि उसमें चिकन गल जाए। चिकन गलने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और बाकी जो कसर रह जाएगी वो चावल में गल जाएगी चिकन। 10 मिनट के बाद हम इसमें देखें 10 मिनट गुजर गए हमारे। अब हम इसमें ये जो चावल हमने भीगने रखे थे, 15 से 20 मिनट चावल को भिगोया है मैंने, ज़्यादा देर नहीं भिगोया, क्योंकि ये बासमती चावल है। और ये 1 केजी चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये चिकन ग्रीन पुलाव खाने में बेहद मज़े का लगता है, हरे रंग का पुलाव। बहुत से लोग कलर ज़्यादा डार्क ग्रीन करने के लिए हरा धनिया और पुदीने की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, मैंने मीडियम रखी है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ मीडियम ही खाना पसंद करते हैं। अब मैं इसके उबाल आने का इंतज़ार करूँगी, और उबाल जब आ जाएगी तो उसको मीडियम आँच पे रखूँगी, और इसको फिर मीडियम करके दम पे रख दूँगी। देखें बिल्कुल 15 से 20 मिनट दम पे रखने के बाद हमारा चिकन ग्रीन पुलाव तैयार हो गया है, और मैंने बिल्कुल लाइट ग्रीन रखा है। ये देखें बिल्कुल अलग अलग चावल पके हैं, एक दाना, और ना एक दाना नीचे नहीं चिपका, और ना ही मैंने कोई इसके ऊपर कपड़ा लगाया है,
और ना ही कोई और चीज़ लगाई है। ये बिल्कुल चावल तक पक के तैयार हो गए और इसमें मैंने केवड़ा ऐड कर दिया, करूँगी बीच में। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी और ये खाने में बेहद मज़े का लगा था उसी। और ये पक भी बहुत जल्दी जाता है, इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं पकने में। ये हमने थोड़ा सा रायता तैयार करा है, प्याज और दही और थोड़ा सा ग्रीन मसाला ऐड करके इसमें। और ये हमने गार्निश के लिए प्याज, अदरक, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और खीरा ऐड करा है। ये गार्निश करेंगे हम, इससे हम डिश आउट करेंगे। और ये रायता बनाया है थोड़ा सा, और ये खाने में बेहद, अगर आप मिर्चें तेज़ करना चाहें तो ग्रीन मिर्चें, हरी मिर्चों को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा पीस लें। मैंने मीडियम रखी है, बिल्कुल ना तेज़ है ना कम है। और ये देखें कितने मज़े का, कितना यमी बना है ये। और ये खाने में बेहद मज़े का लगा था उसी। और ये पक भी बहुत जल्दी आता है, इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर मेहमान आए तो इसको फौरन 15 से 20 मिनट में तैयार करके उसको सर्व कर सकते हैं। और माशाल्लाह से ये बहुत मज़ेदार बना था। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा चिकन ग्रीन पुलाव पसंद आएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। इससे पहले भी मैंने बहुत हर तरह की बिरयानी, पुलाव और हर तरह की रेसिपी एंड दी कि आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, मगर ये चिकन ग्रीन पुलाव मैंने फ़र्स्ट टाइम इसकी रेसिपी बताई है मैंने आप लोगों को, समझाई है। और इसके अलावा भी बहुत तरह की बिरयानियां मैं पका चुकी हूँ मैं, और अभी अभी भी बहुत बाकी रह गई हैं बिरयानी पकाने के लिए। क्योंकि देखें ये कितने अच्छे यमी और जूसी बनी है। और मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ हरी मिर्च, पुदीना, हरी मिर्च, खीरे के साथ, प्याज के साथ। और ये देखें चिकन हमारी बिल्कुल गल चुकी है ये, और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है ये। ये देखें बिल्कुल वाइट चिकन, बिल्कुल साफ़ सुथरी, और खाने में भी बहुत मज़े की है ये गोल्डन चिकन। देखें कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका डिश आउट करने के बाद। और प्लीज़ इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी चिकन ग्रीन पुलाव। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए ढेर सारी दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज़। और ये छोटी वाली मेरी लड़की देखें, उसने उसको भूख लग रही थी, उसने खाना भी शुरू कर दिया है। और अम्मी मुझे खाना दें, मुझे भूख लगी है बहुत ज़ोर की। मैं ये सुबह उठ जाती हूँ बहुत जल्दी स्कूल जाने के लिए, और तीनों चारों बच्चे ही उठ जाते हैं सुबह, कोई कोई कॉलेज चला जाता है, कोई स्कूल चला जाता है और कोई यूनिवर्सिटी। अब बहुत जल्द मेरी लड़की यूनिवर्सिटी जाने वाली है इंशाल्लाह। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।